नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव, स्वागत करता हूँ आपका यादव मार्बल में। जिसके दोस्तों पिछले कुछ कमेंट्स आए कि आपके वहाँ पत्थर आता कहाँ से है, ये पत्थर आप कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से आप लाते हैं, तो वो जगह आप हमें बताएं क्या प्रोसेस रहती है। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक माइंस मतलब जहाँ से पत्थर शुरू होता है, जहाँ से पत्थर की उत्पत्ति होती है, ये वही जगह है जहाँ से पत्थर निकलता है और उसके बाद हमारे पास पहुँचता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊँगा कि माइंस में किस तरीके से पत्थर निकलता है, किस तरीके से इक्विपमेंट होते हैं, कितनी मशीनरी लगती है और किस तरीके से आप तक पहुंचेगा, तो मैं पूरी माइंस की आपको शेयर कराऊंगा। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये माइंस का ऊपर वाला हिस्सा है, अभी हम माइंस में एंटर होंगे। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों को खोद के ही ऊपर थोड़े कच्चा पत्थर टाइप का होता है, फिर जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो अंदर पत्थर निकलता है। ये ऊपर की सारी व्यवस्था है और इस तरह के बड़े ढेर हैं। ये तो ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ को खोद दिया गया है और इधर एक नया पहाड़ लगाया गया है, ये इसके वेस्टेज का पहाड़ है। तो ये आपको वेस्टेज दिख रहा है, उसके बाद आप ये देखो ये अंदर का हिस्सा आ गया माइंस का, जिसके अंदर आपको ट्रक चलते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा सा मैदान टाइप आपको दूर से दिखेगा जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम होता है कि जो वेस्टेज निकलता है, जो मिट्टी निकलती है, उसको बाहर पहुँचाना, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और पत्थर, माइंस दो ही चीज़ों से बनती है। इन दो चीज़ों से ही आप पूरी माइंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसको बाहर निकालेंगे तब जाके अच्छा पत्थर निकल पाएगा। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रेक टाइप है, ये ऊपर का पत्थर होता है जो खोदना होता है, उसके बाद जो अच्छा पत्थर होगा वो चालू होगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, माइंस की सफाई जिसको बोलते हैं, ये एक डंपर के थ्रू होगी, जिसमें एक डंपर इसी काम में लगा होता है, एक जेसीबी मशीन और इस तरह के जो भी मशीनें होती है, और एक जो डंपर है उसका काम यही होता है कि वो यहाँ से उठाए और बाहर डाले, क्योंकि इससे आपको हर काम में दिक्कत आएगी माइंस वाले को कि भाई किस तरह से सफाई हो, रास्ते भी सुलभ हो। और इसके अलावा भी मशीन लगी है, इस तरह की मशीनें सारी लगी हुई है, इन सब का काम सफाई करना, पत्थरों को इधर हटाना, इस तरह से लगा होता है। इसलिए जितनी बड़ी माइंस हो उतनी ज़्यादा मशीनें होंगी। और सबसे बड़ी मशीन ये होती है कि डेरी क्रेन, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक तरह से मशीन सेटअप मदरबोर्ड जो माइंस का होगा, इसे कहेंगे कि माइंस की मशीनों की जान सब इसी से है, क्योंकि इसने पूरी माइंस को कवर कर रखा है। इसकी जो जिसको भुजाएँ बोल लो या इसके जो भी इसकी लीडें बोल लो, वो पूरे माइंस से चारों तरफ फैली होती है, इतनी लंबी होती है। ये इसका कंट्रोल पैनल है और ये इसके आगे इसका इलेक्ट्रिक पैनल होता है, इसको चलाने के लिए ऑपरेटर होता है, जो हमेशा ऑपरेटर इसी में रहता है जब तक माइंस चलती है। और ये देख रहे हैं इतनी बड़ी भुजाएं इसकी पूरे माइंस में, अगर किसी को नीचे जाना है, मशीनरी नीचे जानी है, पत्थर ऊपर आने हैं, तो सारा काम इसके थ्रू होगा, क्योंकि रास्ता इतना प्रॉपर नहीं होता है कि आ सके, और मशीनरी इतनी भारी होती है अगर माइंस में गिर जाए तो नुकसान भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आप कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है माइंस का, तो ये डेरी क्रेन के बिना संभव नहीं है। और उसके अलावा एक इसके अंदर ये पानी की जो व्यवस्था होती है, तो पानी की व्यवस्था भी, ये रास्ता है दोस्तों कि ये रास्ता नीचे जाने का है माइंस से, इससे ही आपको जो ट्रक लोडर और जो चीज़ें हैं वो सब इससे नीचे जाती हैं। और आपको और अंदर जाके ले जाके मैं बिल्कुल पास से सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि किस तरीके से अंदर सारा काम होता है। धीरे धीरे नीचे चल रहे हैं माइंस के अंदर। माइंस दोस्तों खदान बोलते हैं, कुछ लोग माइनिंग बोलते हैं। और ये पानी का टैंक जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये पूरे बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा होता है, तो उससे पत्थर को काटने का और भी दूसरे चीज़ों में जो पत्थर चाहिए सफाई करने का, वो सब यही पानी काम में आता है। ये पहाड़ से आप खुद देखें कितना मीटर नीचे आ गया है, ये आपको कैमरे में छोटा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये कम से कम भी ये मान के चले 100 मीटर नीचे है। और ये डेरी क्रेन की भी ऊँचाई से भी ऊपर आपको दिखेगा ये पहाड़। माइंस शुरू में वहाँ तक थी, लेकिन अब खुदते खुदते इसको सफाई करते करते नीचे आ गई है। अब इसमें अच्छा पत्थर निकल रहा है, उसको और पास से जाएंगे अपन, तो मैं आपको ढंग से दिखा पाऊंगा। ये जो मशीन है, इक्विपमेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब अपना अपना काम करते हैं और उनसे सब निकल के ही एक अच्छा सा पत्थर आप देख पाते हैं। ये देखिए अंदर निचले चल रहा है, ये लास्ट में जो है ये फ्रेश पत्थर निकालने का काम चल रहा है, कि इसमें यहाँ से पत्थर चालू होगा और एक बड़ा सारा जिसे कहेंगे पार्ट पत्थर का, बड़े पत्थर का, जैसे मीटर में उसकी लंबाई होगी, वो काटा जाता है, उसके बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसमें से भी फ्रेश पत्थर जो है वो बाहर लाया जाता है। तो इन रस्तों से अपन चलेंगे नीचे। तो उसके बाद ये हम देखिए एक ट्रॉली होती है नीचे जाने की, जिसके अंदर हम नीचे जा रहे हैं। ये आपको धीरे धीरे, ये ट्रॉली है, इससे हम बहुत नीचे जाएंगे लास्ट में, क्योंकि इसके अलावा कोई साधन नहीं होता, रास्ता इतना प्रॉपर नहीं है उसमें जा पाए, क्योंकि खतरा बहुत है। और उसके बाद जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ट्रॉली बंधी हुई है इन रस्सियों से डेरी क्रेन से, क्योंकि डेरी क्रेन मैंने आपको बताया कि हर किसी को ऊपर नीचे जाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो अभी हम इसके सहायता से नीचे जा रहे हैं। अब नीचे जाके हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि सबसे बड़ा जो चीज़ है, काम की चीज़, उसको बोलते हैं तकिया। इस तकिया मतलब ये लोहे का तकिया होता है और बिल्कुल चिपटा हुआ होता है, अभी ये काम में आया हुआ है। इसमें एक नलकी देख रहे हैं,
जब ये चिपटा हुआ होता है तो इसमें उससे टेम्परेचर से हवा भरी जाती है। हवा कहाँ भरी जाती है, कहाँ काम आता है, ये आप इसमें देखिए कि ये सबसे पहले ड्रिल होती है बड़ी, ये आप जो नाली देख रहे हैं सामने, इसमें ड्रिल करते हैं और एक बड़ा सारा स्क्वायर है उसको पूरे पत्थरों से अलग किया जाता है। ये देख नीचे तक देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे तक अलग किया जाता है और उसके बाद बीच में वो तकिया फंसाया जाता है और उसमें कंप्रेसर से हवा भरी जाती है। तकिया कहाँ फंसाते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखिए ड्रिल करने का जो छेद है, ये अभी दिखेगा आपको, ये ड्रिल करने वाला छेद है। इसके छेद करने के बाद इसमें से कटिंग की जाती है, ये पूरी कटिंग कर दी, पूरे एक पत्थर को इस पत्थर से अलग कर दिया और इसी लाइन में तकिया फंसाया जाता है। और उसको एक तकिया नहीं दोस्तों, कम से कम 4-5 तकिए पूरी लाइन में फंसाए जाएंगे और उसमें एक साथ कंप्रेसर से हवा भरेंगे तो एक बड़ा सारा पत्थर जिसको हम यहाँ माइंस की में इसको फाड़ा बोला जाता है, लेकिन अभी बड़ा पत्थर जो नीचे देख रहे हैं ना, ये अभी आपने देखा ये बड़ा सारा पत्थर जो है वो नीचे गिर जाता है। ये देखिए ये बड़ा पत्थर गिर गया। गिरने के बाद फिर उसके और उसकी प्रोसेस है कि उसमें क्या किया जाए, क्योंकि पूरा पत्थर एक साथ लोड नहीं हो सकता, पूरा एक पत्थर एक साथ बाहर नहीं आ सकता। ये आप जो ड्रिल मशीन देख रहे हैं, ये दोस्तों देखिए एक जो ड्रिल मशीन हो रही है, ये इसमें लाइन से एक लाइन बनाकर और इसका छेद किया जाता है। इसमें बहुत सारे छेद किए जाएंगे लाइन वाइज, कोई भी पत्थर आप देखेंगे तो ये छेद कर रहे हैं ड्रिल मशीन से। और उसके बाद वाला प्रोसेस आप जो आगे पत्थर देख रहे हैं, ये हथौड़े से देखो ये कीले ठोकी जा रही है, इन कीलों को ठोका जाता है धीरे 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 धीरे, उस प्रोसेस का हिस्सा रहती है। तो माइंस में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये रेडी ब्लॉक हैं जो बाहर निकले हैं और वो भी नीचे से सुई प्रोसेस होके निकले हैं। तो उसके बाद ये बड़े पत्थर और मैंने आपको दिखाए और वापस नीचे ले चलता हूँ कि किस तरह से देखो ये ठुकाई हो रही है, एक 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 कील को एक 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 बारी बारी से धीरे 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 ठोका जाता है। यहाँ कीले निकल चुकी है ठोकने के बाद, जो पहले ठुक रही थी अब ये बिल्कुल रेडी है बिल्कुल अलग होने के लिए, क्योंकि उस पत्थर से इतना बड़ा है कि आप खुद सोचें कि इतना बड़ा ना ट्रक में आ सकता है, ना माइन से बाहर आ सकता है, ना हमारी मशीनों पर कट सकता है। तो ये वही प्रोसेस है कि किस तरह से बड़ा किया जाता है। ये जो साइड में आप कीले देख रहे हैं, ये ठोकने के बाद निकाल ली गई हैं, क्योंकि अब इसका काम कीले जितनी जानी है पहुंच गई, उसके लिए ड्रिल मशीन हुई। और यहाँ आप देखेंगे कि एक अलग सा पत्थर गिर गया है यहाँ से निकल के, जो प्रोसेस उन्होंने की, अभी भी ड्रिल मशीन चालू है क्योंकि आगे से आगे स्टेप बाई स्टेप काम चल रहा होता है, जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं और वैसे वैसे उसका प्रोसेस होता रहता है। ये देखिए ये लास्ट में पत्थर अलग हो गया है, ये था कीले निकालने के बाद का नज़रिया और उसके बाद पूरा पत्थर ऐसे कीले निकाल के तोड़ लिया गया है। और इसके बाद फिर जो है ये मशीन से पत्थरों को अलग किया जाता है और उसके बाद ये लास्ट में पत्थर आता है इस तरह का। ये है हमारा रेडी पत्थर, बिल्कुल अलग हुआ। अभी ये पत्थर छोटा साइज का है, इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने से पहले भी अपन ये भी सोच सकते हैं कि अब इसको और भी छोटा करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो और छोटा करने के लिए फिर क्या होगा दोस्तों कि और मशीनें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको मशीन, ये वो मशीन है जिस तरह से पत्थर को स्क्वायर और रेक्टेंगल किया जाता है। इसमें ये रस्सी और ये जो माला आप देख रहे हैं जिससे कट रहा है, उस पर सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट के थ्रू पानी के साथ साथ मशीन से उसकी कटाई होती है और इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में एक बड़े साइज में, जो अच्छा साइज हो जिसमें रिकवरी अच्छी मिले और जिसमें क्रेक कम से कम हो, सब कुछ हटा हटू के एक अच्छा सा ब्लॉक तैयार किया जाता है जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और वो ब्लॉक होता है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट में ब्लॉक किस तरीके से तैयार होता है। ये यहीं से काटे गए हैं माइन से सब। तो ये देखिए मैं आपको ब्लॉक जो दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से लास्ट में तैयार होता है ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है वो माइन से बाहर जाता है, बड़े बड़े ब्लॉक हैं दोस्तों, ये समझेंगे आप, मेरी हाइट से भी ऊपर है, इतना बड़ा ब्लॉक है। ये ब्लॉक लास्ट में तैयार होता है, इसी के लिए पूरी मेहनत की जाती है माइंस में कि जो भी प्रोसेस मशीनरी, ये लास्ट जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं जो हम तक पहुंचता है यादव मार्बल पर और यादव से काट के हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये सारा ब्लॉक बहुत अलग अलग कलर की माइंसों में और सभी जगह यही लास्ट का तैयार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया किस तरह से है, इस तरह के ब्लॉक जो तैयार होते हैं, ये मार्किंग होती है लास्ट में। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आप सबको माइंस दिखाने की, बिल्कुल अंदर गहराई में उतरकर आपको दिखाया हर चीज़, हर इक्विपमेंट दिखाया दोस्तों। तो ये यादव हमारी कोशिश रहती है। उसके अलावा भी आपको अगर कुछ चाहिए तो आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, हम हर चीज़ आपको बताएंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यादव मार्बल से ओम यादव।